हे गाइस, आपने इंस्टाग्राम का ये ट्रेंड तो देखा होगा और इस ट्रेंड को अगर आपको भी फॉलो करना है, इस तरह का फनी वीडियो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये वीडियो एडिट करेंगे हम वीएन एप्लीकेशन में, इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाता है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा और इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक फ़ोटो चाहिए अपना, अच्छा सा आप कोई भी ले सकते हैं या आप वीडियो ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और दूसरा है कि आपको जो क्लिप है बच्चे वाला, वो क्लिप मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ओपन करना है, डायरेक्टली आप उस वीडियो पर पहुंचेंगे, आपको उसको सेव टू गैलरी कर लेना है। वीडियो के ऊपर 3 डॉट मिलते हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, साथ ही गैस वहाँ पर आपको फुल रील भी मैं दूंगी, तो उसको भी आपको सेव कर लेना है। ये दोनों मटेरियल जब आप सेव करेंगे उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें, क्योंकि बाद में फुल रील से हमें क्या करना है, म्यूज़िक को एक्सट्रा करना है। ओके, तो अब गैस हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट जो भी है, अपना एक फर्स्ट फोटो ले लेते हैं एंड सेकेंडली वो वीडियो क्लिप बच्चे वाला। ओके, तो यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए आपको नीचे प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है एंड सीजर आइकॉन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर ये मैं फ़ोटो ले लेती हूँ और ये वीडियो क्लिप ले लेते हैं बच्चे का। ओके, अब नीचे राइट हैंड कॉर्नर से हमें फॉरवर्ड कर लेना है और आगे अपने एडिटर के अंदर इस तरह से फ़ोटो आएगा पहले आपका, और ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से लेंगे तो ये आपको ले लेना है यहाँ पर। ओके, इसके बाद गैस ये जो डिफ़ॉल्ट क्लिप है एंड पार्ट, इसको आपको डिलीट कर लेना है। ओके, एंड ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके 9:16 की रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। अब गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने कहा आपको, आपको फुल रील भी सेव करना है, तो अब उस रील से हमें म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये तो इसके लिए आपको टैप टू ऐड म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि म्यूज़िक प्लस आइकॉन पे, एंड म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे। देन गाइस यहाँ लास्ट में आएंगे माई म्यूज़िक में, एंड सेकेंड ऑप्शन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, एंड टर्म्स को आप ओके कर लेंगे। यहाँ से वो वीडियो ले लेंगे जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा, और यहाँ से नीचे से आपको सेव कर लेना है। ओके, अब गाइस माय म्यूज़िक के ऊपर आएंगे, अगेन माय म्यूज़िक के ऊपर फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ से आप देख लें कितने सेकंड का म्यूज़िक था, 5 सेकंड का। तो हमें यहाँ पर ढूंढना होगा कि कहाँ पर है 5 सेकंड का म्यूज़िक। ओके, तो ये हमारा म्यूज़िक है, एंड म्यूज़िक के आगे आप यूज़ का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे राइट हैंड कॉर्नर से डन कर लेना है। इस तरह से म्यूज़िक यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब गाइस मैं म्यूज़िक को सुनूंगी, उसके अकॉर्डिंग फ़ोटो को हमें रखना है। तो पहले मैं कर लेती हूँ ट्रिम, उसके बाद आपको बताती हूँ आप फ़ोटो की ड्यूरेशन क्या रखेंगे। ओके, तो मैं ट्रिम कर चुकी हूँ एंड आपको ड्यूरेशन रखनी है गैस 3.30 सेकेंड अपने फोटो की, बाकी ये वीडियो तो जैसा है वैसा रहेगा। अब हमें यहाँ पर वायरल टेक्स्ट टाइप करना है फोटो के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे, ऊपर जस्ट टैप टू ऐड सबटाइटल का ऑप्शन आप देखेंगे टी प्लस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे ऐड अ हेडिंग, उसके नीचे जो ऐड अ सब हेडिंग का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें टाइप करना है वो वायरल टेक्स्ट। सबसे पहले हम इमोजी ले लेते हैं, जो वायरल इमोजी है इसमें आएंगे और यहाँ से ये इमोजी ले लेंगे। अब आएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में चेंज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे और यहाँ से ये आप चेक कर लेंगे। इसके बाद गैस आपको फॉन्ट के ऊपर आना है और फॉन्ट आप कौन सा लेंगे, ये वाला ले सकते हैं। एंड कलर ग्रिड पे आएंगे, यहाँ से कलर आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर लें, ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला, मुझे ब्लैक वाला चाहिए, मैं ब्लैक वाला लेती हूँ, डन कर लेती हूँ। इसके बाद आपको इसको फ़ोटो तक इंक्रीज़ करना है, अपने फर्स्ट फ़ोटो तक, तो यहाँ तक हम रखेंगे इसको इतना। ओके, बस इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं जहाँ आपको सही लगता है अपनी फ़ोटो के ऊपर,
और बस हमारा जो वीडियो है वो रेडी हो चुका है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ वीडियो कैसा बनता है। ओके, इस तरह से ये वीडियो रेडी हो जाता है। अब गाइस इसे सेव कैसे करना है, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर से फॉरवर्ड आपको करना है एंड नीचे राइट हैंड कॉर्नर से डन कर लेना है। सो इस तरह से गाइस इजीली आप वीएन एप्लीकेशन की मदद से ये वीडियो बनाते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वायरल रील्स पर आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहें तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।